सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। 16 साल के नाबालिग लड़के पर 18 साल के लड़के को गला दबाकर बेहोश करने और फिर चाकू से कई बार दनादन वार करने के आरोप लगे हैं। वार भी सिर्फ गले और चेहरे पर, जिससे जल्दी मौत हो जाए। हमले के बाद हमलावर उसके बाल पकड़कर गली की ओर घसीटता है और फिर कई बार चाकू से वार करता है। चाकू से 16 बार मारने के बाद बीच बीच में नाचता भी है। नाचते हुए ऐसा लग रहा है जैसे नशे की हालत में हो। इसके बाद भी हत्यारे का मन नहीं भरता तो फिर कई बार गले को चाकू से रेतता है। नाचने और गला रेतने का क्रम कई बार चलता है और अंत में वो उसे बाल पकड़कर घसीटते हुए गली में लेकर चला जाता है। हत्या का ये बेहद अजीबोगरीब मामला दिल्ली के वेलकम इलाके का है, क्योंकि इस तरह के कोल्ड ब्लडेड मर्डर की वजह लूट बताई जा रही है, वो भी महज 350 रुपए के लिए। घटना मंगलवार रात 11:15 बजे की है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। फिलहाल हत्यारे नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हो गया है। मामले की जांच जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।